शिक्षा के दलालों को, झूठे भरोसेदारों को, शिक्षा के दलालों को, झूठे भरोसेदारों को। अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के बैनर तले आज कई दर्जन छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका आरोप है कि दिबाई के कुबेर इंटर कॉलेज में अवैध रूप से धन उगाही छात्रों से की जा रही है। इस बारे में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने डीआईओएस से संपर्क साधा। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास, किन मांगों को लेकर आज आप डीआईओएस ऑफिस आए? दिबाई के अंदर कुबेर इंटर कॉलेज है, जहाँ लगभग पर ईयर 20 से 25 लाख रुपए की इनकम है कॉलेज की। उसके बावजूद दिबाई कॉलेज के बच्चों से 500 से 1000 रुपए की अवैध वसूली की जाती है, जबकि हमारे पास कॉलेज के पास आय के स्रोत होने के बावजूद बच्चों के लिए ना तो शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने के लिए फर्नीचर है, ना ही पंखे हैं कॉलेज में। और जब हम डीआईएस से मिले थे, डीआईएस को 23 अप्रैल को हमने ज्ञापन दिया, 3 महीने हो गए, कोई इसमें जाँच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और जाँच इन्होंने बंद कर दी। डीआईएस और एडीआईएस ने पैसा ले लिया है मोटा कॉलेज से। हम लोग मिले तो प्रबंधक प्रधानाचार्य उधर डीआईएस एडीआईएस ने कहा विद्यार्थी परिषद को हम पूरे जिले में जितने भी तुम कार्यकर्ता हो मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा, मुकदमा दर्ज करा दूंगा। ये डीआईएस एडीआईएस ने कहा हमसे और डीवाई प्रबंधक प्रधानाचार्य ने हमें जेल जाने की धमकी दी। आज क्या अच्छी रणनीति आ गई? हमारी रणनीति आज जो हम यहाँ आए हैं, हमारी जो भी इसमें जाँच हुई है, चाहे हमारे पक्ष में हुई हो चाहे हमारे विपक्ष में हुई हो, वो जो भी जाँच रिपोर्ट है वो हमको सौंपी जाए, हमें पता किया जाए। उसकी जब तक निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, विद्यार्थी परिषद पूरे लगातार इस कार्य को लेकर आंदोलन करती रहेगी। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक के मौके ना होने पर और वहां उनके मौजूद ना होने पर मौके पर मिले एसडीआईओएस ने जाने किस मूड में थे, वह छात्रों पर ही भड़क गए। छात्र नेताओं का आरोप है कि उप जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्ण सिंह ने उन्हें इस बात को जानने के बाद न फटकारा बल्कि साथ ही जेल भेजने की तक धमकी दे डाली। कार्यवाही के नाम पर चुप्पी जरूर साधने नजर आए। छात्र नेताओं का आरोप है कि कुबेर इंटर कॉलेज में प्रबंधन की मनमानी खुलेआम की जा रही है और उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है। छात्र नेताओं का आरोप है कि कुबेर इंटर कॉलेज में छात्रों से फीस से 500 से 1000 रुपए अतिरिक्त भी प्रत्येक छात्र से वसूले जा रहे हैं। फिलहाल छात्रों का गुस्सा उफान पर है, साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द ही इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप पकड़ सकता है। छात्रों के गुस्से और नारेबाजी को देखते हुए मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और फिलहाल जांच का भरोसा देकर किसी तरह छात्रों को वहां से भेजा गया। ये डिवाइन में कुबेर इंटर कॉलेज का इशू लेकर आए थे, जिसमें बता रहे हैं कि बच्चों की संख्या के सापेक्ष गर्ल्स और बॉयज़ के शौचालय कम हैं और प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं है, जब कोई गार्जियन जाते हैं तो व्यवहार ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा, जो विद्यालय का मेन गेट है उसके जर्जर होने की बात कह रहे हैं, तो इनकी जो लिखित में कंप्लेंट आ जाएगी तो उस आधार पर हम डीआर साहब से बात करके और उसका समाधान निकालेंगे। जो छात्रों का आरोप है कि प्रबंधक और प्रिंसिपल हॉल बच्चों से 500 और 1000 रुपए की अवैध वसूली भी कर रहे हैं, इसकी जांच रिया साहब ने हमारे दूसरे प्रिंसिपल साहब को दे रखी है, तो उसमें जांच में जैसी स्थिति निकल के आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।